गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों का डिमांड था कि हमारे एग्जाम बहुत करीब आ रही है, जिसके लिए हमें पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, चाहे वो हमारे जेईई मेंस या फिर नीट का हो, या फिर बीएचयू का हो, या फिर एनडीए का हो, चाहे किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का हो, जो हमारा क्लास 11th का सिलेबस हो जिसमें हमें पढ़ना हो क्लास 11th के केमिस्ट्री, तो उसमें जितने भी टाइप्स का हमारा जो चैप्टर वाइज जो हम लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो बनाया जा सकता है, और जिस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उस लेवल का हमारा क्या कीजिए, एक क्वेश्चन तैयार करवा दीजिए जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो रिविजन कर सके। और साथ ही साथ आपका बोर्ड एग्जाम भी क्या है, सामने है। तो इसी वजह से मैं सभी चीजों को यहाँ पे नजर रखते हुए क्या किया हूँ, तो डीपीपी बनाना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया हूँ। अब हमारा जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो क्लास 11 का जो चैप्टर्स यहाँ पे टच किया हूँ, वो चैप्टर नंबर 3 है, जो कि क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। तो इस चैप्टर्स को देखते हुए, इस चैप्टर से जितने भी टॉपिक्स हैं, इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं, उससे जितने भी टाइप का क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, जिससे आपका हर एक टॉपिक टच हो सके, हर एक टॉपिक से आपका क्वेश्चंस यहाँ पे बनाया जा सके, जिससे आपको अगर एग्जाम में बैठेंगे उस टाइप का क्वेश्चंस आपके सामने फेस करने को आए, तो उस समय आप क्या करें, तो इजी तरीका से उसको सॉल्व करके और उसमें अच्छा से अच्छा मार्क्स उठा सके। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, तो डीपीपी के रूप में आपको क्वेश्चन यहाँ पे दूंगा, जिसमें हर एक डीपीपी में आपका लगभग 10 या 12 क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे। और आपका जैसे कि यहाँ पे चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, तो इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है आपके क्लास 11th के लिए, चाहे आप कभी भी, आप सीनियर क्लास में भी अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर टोटली बोलिए आप अगर केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको दो चैप्टर्स की ज्यादा जरूरत होती है। एक तो आपका चैप्टर नंबर 3, जो कि आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, और सेकंड में आपका आएगा केमिकल बॉन्डिंग। तो ये दो चैप्टर्स को बिना पढ़े आप पूरा केमिस्ट्री को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स आपका बेसिक है, समझ में आया, मतलब कि इसको बिना पढ़े आप केमिस्ट्री को अच्छा तरीके से फील नहीं कर पाएंगे और अच्छा तरीके से आप सीख ही नहीं पाएंगे, समझ में आया। तो इसी वजह से सबसे पहले मैं स्टार्ट किया हूँ चैप्टर नंबर 3। तो आप कोशिश कीजिएगा, अगर आप कहीं जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हैं या तो फिर आप कॉलेजेस जा रहे हैं, तो अगर आपको वहां से पूरा कंटेंट मिल जा रहा है अच्छा तरीके से, और आप अगर वहां से सेटिस्फाइड है, आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहीं से अपना तैयारी कीजिए। और साथ ही साथ आप मेरा सिर्फ यहाँ पे आप जितना क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाएगा मेरे थ्रू, उसको आप यहाँ पे रिविजन करते जाइए। लेकिन अगर यदि आपका ऐसा अनुभव हो रहा है कि आपको इंस्टीट्यूट में या फिर आपके कॉलेजेस में, आपके स्कूल्स में अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या पढ़ाई हो भी रही है तो आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रहा है, और आपको एक ऐसा टीचर्स की रिक्वायरमेंट है जहां से आप अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझ सकते हैं, चैप्टर्स को समझ सकते हैं, तो एक बार आप हमारे YouTube चैनल में, जिस आप प्लेटफॉर्म में आप इस डीपीपी का यहाँ पे पीडीएफ को जो यहाँ पे देख रहे हैं, इसी चैनल्स में मैं हर एक चैप्टर्स वाइज को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करके यहाँ पे डाल रहा हूँ, ताकि जो भी बच्चे को यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो एक अच्छे टीचर्स की, तो उसका जितने भी डॉट है या फिर जिस कंसेप्ट को वो समझ नहीं पाए, तो उसको अच्छा तरीके से यहाँ पे समझ सके, ठीक है। तो इसी चलते जो यहाँ पे देख रहे हैं नाम जो है इंस्टीट्यूट का क्या है, क्रिएटिव क्लासेस बाय अमित के, यही नाम से जो आप चैनल में आए हुए हैं, यही चैनल में आपको प्लेलिस्ट वहाँ पे बना हुआ है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग डीपीपी वाइज यहाँ पे काम करते जाएंगे, उसी हिसाब से वहाँ पे क्या हमारा लेक्चर्स भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे लगभग 10 लेक्चर्स हम लोगों को कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें से हम लोग आधा चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम लोग पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं अभी, तो बहुत जल्द हम लोग चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। तो आप कोशिश कीजिए, बहुत छोटा छोटा वीडियोस बनाया गया, तो आप उसको कवर कर लेंगे, तो यकीन मानिए आपको पूरा कंसेप्ट वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही बात कि आप ऐसे अपना जो अपना स्टडी है उसको मेंटेन कर पाएंगे। हालांकि मैं आज के जो मुद्दा है आज इस लेक्चर का, उसमें आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कौन कौन सा हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन है, आप इसका पीडीएफ भी आप वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, कहाँ से आप इसको प्राप्त करेंगे पीडीएफ, इस जो यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा है क्वेश्चन, तो इसका पीडीएफ पाने के लिए आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जाकर ज्वाइन हो लीजिएगा, चैनल का नाम ही है क्रिएटिव क्लासेस बाय अमित के, ठीक है। तो आप जाकर के वहां से भी ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको पीडीएफ के फॉर्म में वहां पे प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ये रहा बात, अगर आप वहां पे टेलीग्राम में डायरेक्टली ढूंढने नहीं सकते, तो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिया जाएगा लिंक, तो वहां से थ्रू जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आप यहाँ पे जैसा देख रहे हैं कि हम लोग को चैप्टर तो पता चल गया, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मैं 10 क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ, 10 क्वेश्चंस अभी ये हम लोग जैसे कि लगभग फर्स्ट या सेकंड या थर्ड लेक्चर, 3 लेक्चर को मिला करके हम यहाँ पे बना दिए हैं, तो उसको तीनों लेक्चर्स को अगर आप देख लेंगे, तो वहां से अगर मेरे वीडियोस को जो स्टूडेंट फॉलो किए हैं, तो उन्हें ये सारे क्वेश्चंस को बनाने में तनिक भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर यदि आप बाहर का स्टूडेंट है, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट बिल्डअप है तभी हमारे क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम से लेकर के चल रहे हैं, और साथ ही साथ आप कंपिटेटिव एग्जाम का अगर एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे हैं, जैसे कि जेईई हो गया, नीट हो गया, या फिर आप बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं, या फिर डीयू का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी स्टेट बोर्ड का है तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए सारे हम लोग को क्या है यहाँ पे सफिशियंट, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हैं, आपको दूसरा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चंस बैंक करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं सारा कुछ लेकर के आपको इसी तरह से फॉर्म में दे दूंगा, ठीक है। तो आपको पैसे वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं होगी।
ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा जितने भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा वो सारे आप अपने से खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। हालांकि मैं इसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्द करवाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आऊँ किसके हो, अभी कुछ दिन तो अभी अपलोड नहीं करूंगा इसका सोल्यूशन, तो आप कोशिश कीजिएगा इसका अपना पूरा सोल्यूशन करने का, अगर आपसे बन जाता है तो ठीक है, और नहीं तो मैं इसका बहुत जल्द इसका एक सोल्यूशन वीडियो भी लाऊंगा कि कैसे हम लोग इस सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले बस मैं यही बोलूंगा कि आप सबसे पहले यूट्यूब में जितना भी मेरा वीडियो डाला गया है उसको आप देख लेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जो भी वीडियो मेरा फॉलो कर रहा है तो उसको ये सारे के लिए अलग से दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, समझ में आया, क्योंकि वहां पे आपको बहुत ही हाईली कंटेंट वहां पे दिया गया है, ठीक है। आप क्वेश्चन से ही समझ पाएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन अगर यहाँ पे इस तरह का दिया गया है जिसका मतलब वहां पे मैं कंटेंट भी कितना हैवी वहां पे प्रोवाइड किया होगा, ठीक है। तो इसी तरह आप कोशिश कीजिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, वहां पे हर एक चैप्टर वाइज वहां पे तैयारी करवाया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए फर्स्ट में आपका क्वेश्चन क्या है कि लोथर मेयर अटेम्प्ट्स वाज बेस्ड ऑन फ्लोटिंग एटॉमिक मास थ्योरी। जो लोथर मेयर थे वो आपका जो ग्राफ था वो ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट किया था, एक तो बता दिया कि एटॉमिक मास था और उसके साथ एटॉमिक मास के साथ आपका क्या था, आपका एटॉमिक साइज था कि एटॉमिक वॉल्यूम था कि डेंसिटी था कि मेल्टिंग पॉइंट था, तो किसके बीच में लोथर मेयर ने आपका ग्राफ तैयार किया गया, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप तो जान ही रहे होंगे कि क्या होने वाला है, ठीक है। फिर भी अगर आपको दिक्कत है ये लोथर मेयर क्या बोला था कैसे बोला था, तो इसके लिए हमारा लेक्चर वहां पे पड़ा हुआ है, अब वहां पे जाइए 20 से 30 मिनट लगेगा, पूरा कंसेप्ट आप सीख जाएंगे, पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएससी सिस्टम ऑफ नेमिंग एलिमेंट्स द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर 1 to 1 विल बी। तो जो 121 है तो 121 वाला जो एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट्स होगा उसका आईयूपीएससी नेम क्या होगा, तो यहाँ पे दिया है यू एन यू यू बी एन यू बी यू बी यू एस, तो क्या होगा उसका हम लोग आईयूपीएससी नेम, इसको जानने के लिए भी आप मेरे वीडियोस को फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी एलिमेंट का आईयूपीएससी नेम लिखना आप सीख जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप इसका अच्छा तरीका से आंसर भी आप दे लेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो थर्ड नंबर में क्या है, द आईयूपीएससी नेम ऑफ द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू 109 इज। तो एटॉमिक नंबर हम लोग को 109 है, तो 109 का उसका हम लोग जो एटॉमिक नंबर होगा उसका आईयूपीएससी नेम क्या होगा, ठीक है। ये आईयूपीएससी नेम लिखने के लिए आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग हर एक एग्जाम में आपको पूछा जाता है। इसी चलते क्या कीजिए, ये सारे चीजों को अगर आप नहीं सीखे हैं अभी तक तो हमारे वीडियोस को आप जरूर फॉलो कीजिए, आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप वहां पे देखेंगे तो आपको बहुत ही आसान तरीके से वहां पे बताया गया हर एक कंसेप्ट को, ठीक है, तो वहां पे अच्छा तरीके से आप सीख पाएंगे। चलो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, अब आपको बताना है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया इसके अनुसार आपका जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट आपका कौन सा ब्लॉक से बिलोंग करेगा, एस ब्लॉक से पी ब्लॉक से डी ब्लॉक से एफ ब्लॉक से, तो कौन सा ब्लॉक से वो वहां पे हम लोग को क्या बोलता है बिलोंग करेगा। अगर आपको ये भी नहीं समझ पाता है कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे ब्लॉक, तो उसके लिए भी वहां पे हम लोग को लेक्चर्स आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सारे आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए इस सारे चीजों को तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगा कि आप पहले हमारे वीडियोस को फॉलो कीजिए, वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको 90% आपके क्वेश्चंस खुद से वहीं से लेक्चर्स को देखने के दौरान ही आपका सारा क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा। बाकी जो 10% बचेगा उसको मैं एक्सप्लेन तो कर ही दूंगा, हर एक पीपीटी का सॉल्यूशन आपको मिलते जाएगा ताकि आपको एग्जाम का रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो आपके लिए पूरा बेनिफिशियल हो सके, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द न्यूलैंड्स लॉ of octaves for the classification of element was found to be applicable only up to the elements. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो Newlands थे उसका जो octaves rule था, तो octaves rule के अनुसार जो वो classification किए थे elements का, उसमें कितने element तक ही पाया गया था, potassium तक, calcium तक, cobalt तक, phosphorus तक, तो ये भी आपको पता है कि इसका answer क्या होने वाला है। तो कहाँ तक Newlands का जो octaves rule था, कौन सा कितना मतलब कि कितने atomic number तक या फिर कौन सा element तक वो follow हो पाया था, तो उसी को यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। उम्मीद है कि बहुत आसान है, इसको आप टिक कर ही लेंगे। 6 नंबर क्या बोल रहा है, इन न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर। अब यहां पे देखो जो न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन था एलिमेंट्स का, वो एलिमेंट को अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो किसके अकॉर्डिंग, मास नंबर के अनुसार, एटॉमिक नंबर के अनुसार, या एटॉमिक वेट के अनुसार, या फिर ऑल ऑफ दिस, तो किसके अनुसार वो उसका अरेंज किया था, इसका भी आंसर आपको पता होगा क्योंकि जैसे न्यूलैंड्स का क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे वहीं से आपका डायरेक्टली उसका थ्योरी से ही क्या बन गया है, क्वेश्चंस बन गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 7, द लॉ ऑफ ट्रायड is applicable to a group of, अब ये जो देखो law of जो triad जो दिया गया था, और ये कौन दिए थे, तो ये डॉबर्नियन ने जो दिए थे ट्रायड रूल का, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा ऑप्शन उसके अनुसार मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को बता देते हैं, इसका आंसर आपका 2 होगा, क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा, ठीक है। अब कौन कौन सा होगा आप देख सकते हैं, आपको तो पता ही होगा कि जो आपका डॉबर्नियन ने जो ट्रायड रूल दिए थे, ट्रायड लॉ जो दिए थे, उसमें कौन कौन सा एलिमेंट को अरेंज किया गया था, ये तो आपको पता होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 117 एंड 120 आर येट टू बी डिस्कवर्ड, इन विच ग्रुप वुड यू प्लेस दिस एलिमेंट्स व्हेन डिस्कवर्ड। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर यदि आपको एटॉमिक नंबर आपको दे दिया जाए 117 और 120, तो आपको बताना है कि बताओ डिस्कवर अगर हो जाए ये सारे एलिमेंट्स तो आपको
पता करना है कि ये सारे एलिमेंट्स को आप कौन सा ग्रुप और कौन सा यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन विच ग्रुप, हाँ सिर्फ क्या बोल रहा है, ग्रुप के बारे में, पीरियड के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो आपको सिर्फ बताना है कि कौन सा ग्रुप में ये सारे एलिमेंट्स को आप रखेंगे, 117 वाला को कौन सा ग्रुप में रखेंगे, फिर आप 120 वाला को कौन सा ग्रुप में रखेंगे। तो ये सारा चीज मैं आपको वीडियोज में करा चुका हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फिफ्थ पीरियड इज। अब यहाँ पे बताओ कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कौन सा पीरियड में, फिफ्थ पीरियड में। तो इसको भी हम बताए हैं कि कैसे हम लोग पीरियड के अनुसार बता सकते हैं कि कौन सा पीरियड में कितने एलिमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। उम्मीद है ये भी बहुत आसान है क्वेश्चन से, तो आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द एलिमेंट्स विद द लोवेस्ट एटॉमिक नंबर दैट हैज अ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन माइनस वन डी सिक्स एन एस टू इज लोकेटेड इन दी। अब ये भी क्वेश्चंस आपको बताया गया है, यहाँ पे सिर्फ बोल क्या रहा है कि जो एलिमेंट है जिसका लोवेस्ट एटॉमिक नंबर होगा और उसका जो ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन है वो इस तरह से किया गया है, ठीक है। अब आपको बताना है कि अगर ये जो हम लोग क्लासिफिकेशन जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन किया गया है, तो उसमें कितना हम लोग को लोवेस्ट एटॉमिक नंबर रखेंगे, जो हम लोग को यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा पीरियड में वो हम लोग को आ जाएगा। तो यहाँ पे बताना है कि फिफ्थ पीरियड में आएगा, कि सिक्स में आएगा, कि फोर्थ में आएगा, कि थर्ड में आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट मैं पहले ही दे चुका हूँ। अगर आप वहाँ पे हमारा थ्योरी को अगर आप वहाँ पे देखेंगे, वीडियो को फॉलो करेंगे, लेक्चर्स को, तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब वहीं से आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बात रही कि ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको कब दिया जाएगा, तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपसे बना या नहीं बना, कितने क्वेश्चंस में आपको डॉट रहा। उसके बाद मैं आपको बहुत जल्द 3 या 4 दिन के अंदर क्या होगा कि इसका इस डीपीपी का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी बात मैं आपको बस इतना ही बोलूंगा, आप चाहे बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मेंस जेई का तैयारी कर रहे हो, या फिर आप नीट का तैयारी कर रहे हो, बीएचयू का तैयारी कर रहे हो, एनडीए का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप स्पेशली मेरे वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। आपको ऐसा जो आप हजारों के फी जमा करके आप जो वहाँ पे स्टडी करने जाते हैं, जहाँ पे आप ट्यूशन करवाते हैं, उससे भी बेटर यहाँ पे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे आप ट्यूशन जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, लेक्चर तो मिलता ही है, उसके बाद आपको क्या मिलता है, गाइडेंस मिलता है, प्लस में आपको क्या मिलता है, वहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया जाता है कि नहीं, तो वहाँ पे क्वेश्चंस का वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, और ये सारे चीजों के लिए ही सिर्फ वहाँ पे क्या दिया जाता है, तो पैसा लिया जाता है। और मैं यहाँ पे सारे जो आपको इंस्टीट्यूट में दिया जाता है, जो आपको कॉलेजेस में दिया जाता है फी लेकर के, मैं वो सारे मटेरियल को आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देने की प्रयास कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप हमसे जुड़ेंगे और अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़ने की प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो तो उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको पता होंगे। इसी तरह से आज देखिए डीपीपी नंबर 1 था, इसी तरह से आपको डीपीपी नंबर लगभग 7 या 8 तक जाएगा, जिससे आपको हर एक, देखो आप यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि स्टार्टिंग से जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी के बेसिस से हम लोग को क्या है, हर एक क्वेश्चन को बनाया गया। तो इसी तरह जैसे जैसे हम लोग को टॉपिक्स आगे चलते जाएगा, जैसे आगे आगे हम लोग स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट हो गया, फिर जेड इफेक्टिव हो गया, उसी तरह से हम लोग चलेंगे रेडियस हो गया, आयोनाइजेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा, इसी तरह से पूरा कंसेप्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से टॉपिक वाइज हम लोग क्या करेंगे, डीपीपी को यहाँ पे बनाते जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आप हमारे अनुसार चलेंगे तो आपका हर एक कंसेप्ट यहाँ पे स्ट्रांग हो सकेगा और आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। चलो तो इस तरह का कंटेंट आपको पूरा यूट्यूब में नहीं मिलेगा, आप खोज करके देख लीजिए, ठीक है। स्पेशली मैं झारखंड बोर्ड वालों को बोलूंगा कि आप मेरे वीडियोस को जरूर फॉलो करें, मुझे पता है कि कैसे स्टूडेंट का मार्क्स ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एग्जाम में दिलवाया जाएगा, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो को जरूर से जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि इस तरह का लेक्चर आपको पूरे झारखंड में नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो तो बस ज्यादा बहस नहीं करेंगे, बस इतना ही बोलेंगे, अगर हमारे कंटेंट से आपको लाभ मिल रहा है तो हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करें, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर वहां पे पहुंचाने की कष्ट करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या मुझसे जुड़ेंगे स्टूडेंट, तो मैं और बेटर तरीके से यहाँ पे वर्क कर पाऊंगा। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे फी तो ले नहीं रहा हूँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे किसी तरह से आपको फी नहीं लिया जाएगा, तो इसी चलते आप ही अपने तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं कि मेरा मदद इस तरह से कर सकते हैं कि जितने भी वीडियोस हो वो दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि वे भी हमसे जुड़ सके, ठीक है। और आप अगर नए आप इस चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।